एंकर पर्सन जमील फारूकी केस की समाअत एफआईए के हवाले करने की इस्लामाबाद पुलिस की कोशिश नाकाम। अदालत में सरजनिश के बाद पुलिस ने दरख्वास्त वापस ले ली। एंकर जमील फारूकी केस की समाअत, पुलिस को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। एंकर को एफआईए के हवाले करने की कोशिश नाकाम हो गई। अदालत में सरजनिश के बाद पुलिस ने दरख्वास्त वापस ले ली। जज ने कहा कि जमील फारूकी के वकील को बताए बगैर अदालत में पेश किया गया। पुलिस का ऐसा रवैया बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। अदालत ने पुलिस को मुस्तकबिल में मोहतात रहने की हिदायत कर दी। यकीनी बनाया जाए कि तहकीकात के दौरान बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी न हो। जमील फारूकी को दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे बाहर निकलते हुए गुफ्तगू में जमील फारूकी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कहा कि मेरी जिनेवा कन्वेंशन के तहत अपने हकूक हैं, कोई मेरा बयान नहीं बदलवा सकता। बोल न्यूज से गुफ्तगू में उनके वकला का कहना था कि जमील फारूकी को अचानक अदालत में पेश करना अफसोसनाक है। उनका कहना था कि कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि पुलिस ने आकर कह दिया कि हमारा केस नहीं बनता, इसके बाद जमील फारूकी को रिहा कर दिया जाए। हमने अदालत में ये सबमिशन की कि चूँकि इस्लामाबाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है, इस्लामाबाद पुलिस का अब इसमें कोई रोल नहीं है, लिहाजा हमारे बंदे को डिस्चार्ज किया जाए। कोर्ट का ऑर्डर ये था कि जी चूंकि ऑलरेडी दो दिन का रिमांड आपके पास है, आज आप एफआईए को हैंडओवर करने आए थे लेकिन आपने खुद ही दरख्वास्त वापस ले ली है, तो कल दोबारा से अदालत के सामने इसको पेश करें। वकला का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस जमील फारूकी को कल दोबारा अदालत के सामने पेश करेगी। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।